जी, तो अजान हो चुकी है। यह हमारा सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट ले लिया है, ठीक है। और इसमें हमने ये सारे इसके सिलेक्ट कर लिए थे, ठीक है ना। और इसमें हमने सी दबाया था तो ये ऑप्शन आ गया था, माउस व्हील अप माउस व्हील डाउन करने से ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ करके हम इसको कर देंगे छोटा, ठीक है, और कर देंगे ओपा, ओके। ये करने के बाद अब ये करने के बाद हमारे पास ये मॉडल है, मैंने अलग विंडो पे अपने खोला हुआ है, अलग स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूँगा, इसी इसी अच्छा यही मॉडल की कॉपी बनाऊंगा, बल्कि नहीं, इसकी मैं ही गलत कर दिया मैंने। मैं बनाऊंगा एक और क्यूब, क्यूब लेकर, ठीक है, इसको लूंगा, ठीक है, ये लेकर, बल्कि ये भी नहीं, इसको नॉर्मल क्यूब में सबसे पहले तो हर एंगल से छोटा कर दूंगा। छोटा करने के बाद इसको बनाऊंगा ये, ठीक है, इसको जब इतना बना लूंगा, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। और ये लेने के बाद अब मैं इधर से काउंट करूंगा, ये जो खाने बने हुए हैं इन खानों को, कि इनमें डिस्टेंस सबसे बीच का आई थिंक यहाँ का आ रहा है, सही है ना। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है बीच का। तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इधर, आ जा भाई, सही। उसके बाद हम देखेंगे ये चीज इधर कितनी आई है, ठीक है। ठीक है, ये जब हो गया तो फिर हमने इसकी बनाई स्पिन, स्पिन लेके यहाँ से लेके, ठीक है। अब ये जो है ये तकरीबन बनेंगे 5, 5 बनेंगे, और
उनका बनेगा डुप्लीकेट, ठीक है। ये देखें, सही, ये बन गया हमारे 5, लेकिन इसका मैं कर देता हूँ 4। ये एंगल पे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आ गया बिल्कुल फिट। ये देखें, यहाँ पर ये लाइन का एंगल और ये लाइन का एंगल, ये लाइन का एंगल, ये लाइन का एंगल, तकरीबन ये सही है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें बनानी है ठीक, ठीक है ना। अब लेंगे हम एक और क्यूब लेकर, सही, ठीक है, बल्कि ये लेकर यहाँ बनाएंगे, ठीक है, और इसको लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, या क्या यहाँ, और इसके बाद यहाँ से, सही, यहाँ से हम इसकी उठाएंगे स्पिन ये लेते हुए हम इसको लेकर चलेंगे, यहाँ तक, तो 280, ठीक है, और ये कर देते हैं, और इसका कर देते हैं 50, ठीक है। तो सही, 100 करने के बाद, 100 करने के बाद आ गया हमारा, ठीक है। ये लिया, ये लेने के बाद को लिया ऐसे, और ये लिया, लेने के बाद हमने बनाया
देख लें भाई, थोड़ी सी ये बड़ी कर दी हमने, तो सब कुछ हमारे आ गया फिट। ठीक है, अब जब सब कुछ हमारे आ गया फिट, समझ लें दो पार्ट हैं, लेकिन पार्ट वन है एक तरीके से। टेक्सचर और मटेरियल जो है ना, वो हम अप्लाई करेंगे कल या परसों। ठीक है, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं। ये लिया, इसका हमें बस कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके, जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है, उसके बाद ये लिया और सीधा इधर कर दिया सिंपल। अब हमारी तकरीबन बन गई है ये हट, हमारा एटलीस्ट बन गया है। एक चीज जो मैं भूल गया हूँ वो मैं लगा देता हूँ, और वो है हट में लकड़ियां लगानी है। ठीक है ना, ये सही। ओके, अब उसके बाद ये हमने लगाया है। और ठीक, ये लगाने के बाद ये किया हमने। ठीक है, इधर ये ऐसे ही थोड़ा सा छोटा करना है ना। अब हमने इसको लगाया इधर, ठीक है, थोड़ी सी इसको हमने देनी है।